Hey guys, welcome to Wisdom World. So guys, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग, जिसमें हम लोगों ने एनालॉगी के बारे में पढ़ रहे हैं. अभी हमने नंबर एनालॉगी भी कर ली है और हमने इसके साथ साथ सीमेंटिक एनालॉगी भी कर ली है. आज हम बात करेंगे किसकी, फिगुरनल, FIGUR, फिगुरल एनालॉगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिगुरल एनालॉगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिगुरल एनालॉगी मींस एनालॉगी व्हिच मींस सिमिलैरिटीज अबाउट इन द फिगर्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी अ क्वेश्चन in your examination booklet, question booklet, that how many triangles are there in a figure. Suppose this kind of figure you can see, and the question asked to you how many figures you can see in this triangle, how many triangles are there. So 1, 2, 3, 4 and number 5, the total is 5. So this type of question when you see in your book, question booklet, so it means these questions are related to, are from figural analogy. So this type of kind of question we can see in our figural analogy. First of all, we can also see फिगर. जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था, कुछ सिंबल्स बनते हैं, कुछ उसमें रिलेशन बनते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई बॉक्स बनाया है जिसमें एरोस दिए हैं, इस ऐसे ऐसे ऐसे, इसका रिलेशन निकाला गया है. यहाँ पे एक फिगर बनी है, ठीक है, जो कैसे बनी है, इस तरीके से, इस तरीके से. अब ये हमने निकालना है इसका रिलेशन किसके साथ, इसके साथ. हमारे पास फिगर दी गई है एक, इससे ऐसे से ऐसे. अब हमने बताना है नेक्स्ट फिगर में कैसे होगा. ऑप्शंस हमारे पास जैसे दिए गए हैं, guys, what you see in the board, on the board you can see a question in the figure that two signs and one is this kind of sign. This kind of sign, जैसे हमने देखा greater than equal to के sign जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं. कहीं पे greater than का, कहीं पे lesser है, कहीं पे greater lesser और कहीं पे उसके अपोजिट. अब हमने देखा कि यहाँ पे देखो किस तरीके से, अगर ये दो signs जो है इसके अपोजिट इस तरीके से साइन है और दोनों नीचे जो है वो सिमिलर है, तब हमें बताओ यहाँ पे किस तरीके से चलेंगे. यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा चलेगा. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फिगर मूव्स वर्टिकली अपोजिट सेम एज द थर्ड फिगर विल बी सीन इन द ऑप्शन. तो बताओ कैसे चलेगा. तो ये कैसे बनेगा कि देखो, फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या देखा, ये भी ये किसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है. तो इनके अपोजिट कैसे बनेंगे, इनके अपोजिट बनेंगे ऐसे और इस फॉर्म में. देन इसके बाद ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइंस है. तो इसके यहाँ नीचे क्या, कौन से साइन आएंगे, इसी तरीके के अपोजिट साइन आएंगे, ऐसे आएंगे.
या फिर ऐसे बनेगी, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, आंसर ए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने किसको चेंज किया है इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट साइंस। दिस इज द फिगुरल एनालॉजी। Suppose a figure you can see like this. इसका रिलेशन जो है वो इस तरीके की फिगर के साथ है, ठीक है। तो बताओ ये वाली फिगर का रिलेशन किसके साथ होगा, ऑप्शन ए में आ जाएगा। ऑप्शन सी में जैसे दिया गया है इस तरीके से, और ऑप्शन डी में दिया गया है ऐसे ऐसे और बीच में छोटा सा सर्कल। तो बताओ कि ये जो है वो किस तरीके की फिगर बनेगी, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, एक छोटी सी ट्रायंगल बनी है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर बनेगी, ट्रायंगल के बीच में रेक्टेंगल बनेगी, तो ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल के अंदर जो छोटी सी क्या बनी है, रेक्टेंगल बनी है। अगर क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल बनी, तो ट्रायंगल के अंदर क्या बनेगी, छोटी सी रेक्टेंगल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन द फिगुरल एनालॉजी, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। जस्ट लाइक आई गिव यू वन क्वेश्चन एंड यू कैन परफॉर्म इट बाय योर ओन सेल्फ or taking with the any kind of book, ठीक है। तो options हैं आपके पास, आपने देख बताना है कि ये वाली जो सिंबल है ये किस तरीके से आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन राइट कौन सा है वो आपने खुद बताना है। उसी तरीके से दिस इज योर वन एग्जांपल एंड दिस इज योर सेकंड। इफ वन इज इन दिस बॉक्स is related to this kind, then how to do this. Your options are
तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा ठीक है। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, नेक्स्ट आप इसमें से खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, किसी भी तरह के पेपर में जहाँ पे एनालॉगी के कंसेप्ट दिए गए होंगे। कहीं पे किसी किसी एग्जामिनेशन के सिलेबस में डायरेक्टली एनालॉगी लिखा होता है, वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, एनालॉगी हर तरह की आती है। कहीं पे पर्टिकुलरली दिया होता है नंबर एनालॉगी एंड सीमेंटिक एनालॉगी, और कहीं पे दिया होता है नंबर एनालॉगी, सीमेंटिक एंड फिगुरल एनालॉगी। तो तीनों की तीनों एनालॉगी आज हमारी हो गई कंप्लीट। ओके, सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको कवर करते हैं आज सारी को, कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। हमने पढ़ा कि देयर आर सम सीमेंटिक एनालॉगी, जिसमें हमने देखा कि दिस इज रिलेटेड टू दिस और दिस इज रिलेटेड टू दिस। इसी तरीके से हमने नंबर में भी की, जैसे ए बी सी डी इज इक्वल टू जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखा हमने, ये सीखा। फिर हमने देखा कि जो रिलेशन निकलते हैं, जैसे कॉबलर है तो कॉबलर क्या करेगा, कॉबलर इज मेंडिंग शू, ठीक है। तो बार्बर क्या करेगा, बार्बर इज कटिंग हेयर। बार्बर किसके साथ रिलेटेड चले जाएगा, हेयर्स के साथ। देन इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वर्कर इंडिविजुअल का रिलेशन कैसे निकलता है, इंडिविजुअल का और उसके काम का कंस्ट्रक्शन कैसे चलती है, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स किस किस तरह से फॉर्म होते हैं। फिर हमने लास्ट में हमने देखा कि कौन सी फिगर्स जो है, जैसे मान लो ये बॉक्स जो है अगर इस तरीके के बॉक्स के साथ रिलेट करता है, तो बताओ कि ये वाला जो बॉक्स होगा वो किसके साथ रिलेट करेगा। तो ऑब्वियसली जो है ये एक अच्छी इस तरीके के बॉक्स के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है, थ्री काइंड ऑफ फिगर के साथ ही। तो ये सारी थी हमारे पास क्या, एनालॉगी के कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे आगे वाली जो चैप्टर है वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।